नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। चीन गलवान में भारतीय सेना के सामने है और दोनों सेनाएं युद्धाभ्यास में जुटे हुए हैं और इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए दोनों ही देश एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। इसी बीच डीआरडीओ सेना के लिए और भारत को और मजबूत करने के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइल और हथियारों का परीक्षण कर रहा है और सेना में शामिल भी हो रहा है। इसी बीच 25 जनवरी को ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से आकाश एनजी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। जानकारी के लिए यहां पर एक बात बताते चले कि आकाश एनजी एक नई पीढ़ी की मिसाइल है और ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसका मकसद आरसीएस हवाई खतरों को रोकना है। डीआरडीओ की माने तो मिसाइल ने टेक्स्ट बुक सटीकता के साथ लक्ष्य पर निशाना साधा। मिसाइल ने प्रक्षेप वक्र के दौरान अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। परीक्षण के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ऑनबोर्ड एवियोनिक्स और मिसाइल के एरोडायनामिक्स विन्यास का प्रदर्शन शानदार रहा। परीक्षण प्रक्षेपण के दौरान मिसाइल के पूरे उड़ान पथ पर नजर रखी गई थी और उड़ान के आंकड़ों को आईटीआर, ईओटीओ और टेलीमेट्री सिस्टम जैसे अलग अलग रेंज के उपकरणों द्वारा हासिल किया गया। मल्टीफंक्शन रडार का उसी क्षमता के लिए परीक्षण किया गया। आकाश एनजी सिस्टम को कनस्तीकृत लॉन्चर और बहुत छोटे ग्राउंड सिस्टम फुटप्रिंट के साथ विकसित किया गया। ये परीक्षण भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की मौजूदगी में डीआरडीओ, बीडीएल और बीईएल की एक टीम ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, बीईएल और भारतीय वायुसेना की टीम के वैज्ञानिकों को बधाई दी। अब देखना होगा कि कब तक ये खतरनाक मिसाइल एयरफोर्स में शामिल होती है, लेकिन डीआरडीओ का काम शानदार है।